कैथल में भी रावण दहन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि कैथल में 55 फीट का रावण बनाया गया है, जहां मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त विवेक भारती होंगे। को लेकर कैथल में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं मौजूद हूँ कैथल के दशहरा ग्राउंड में, जो चंदाना गेट पूरा देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो दशहरा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और पुलिस प्रशासन का भी यहां पर जो पहरा है वो लगा दिया गया है, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी तलाशी ले जाती है, ताकि कोई भी सत्य तो अंदर ना घुस के। और इसके साथ साथ बता दें कि जो रावण बनाया गया है, 55 फुट का ये रावण बनाया गया है, और यहाँ के जो समिति के जो प्रधान उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? संदीप है जी। तो संदीप जी, जो आज दशहरे की तैयारी कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही है, आपके सामने है, देख सकते हो आप। कितने फुट का बनाया रावण? एक रावण है 55 फुट के आसपास, 55 से प्लस ही है, और एक 45 का है, एक 35 का जी। 35 का है। तो इसमें क्या कुछ किया गया है इसके अंदर, मतलब? ये देखो, आस्तबाजी का प्रोग्राम है। 3 बजे से शहर में जो हनुमान जी की प्रतिमा बनती है, जो वो 3 बजे फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, उनका आना शुरू हो जाता है। फिर जो रामलीला कमेटी है उनके द्वारा दिन की रामलीला खेली जाएगी, उसके बाद अस्तबाजी का प्रोग्राम है, फिर रावण दहन है। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? प्रशासन का पूरा आश्वासन है, डीसी सर का भी पूरा आश्वासन है, प्रशासन का पूरा एकदम से भी आपकी सुरक्षा में 24 घंटे। एम्बुलेंस भी आने वाली है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आने वाली है, हमारी तरफ से भी पूरा प्रोग्राम। तो व्यवस्था किस तरह की गई है? व्यवस्था आप देख सकते हैं सारी तरह से। देखिए, आप इसको ना बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाता है, और लोगों का सहयोग भी रहता है। तो प्रशासन ने जिस तरह से की व्यवस्थाओं के लिए क्या है कि 3 पुतले हैं, हमारा लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि जो भी इसको देखने आए कार्यक्रम को उसके पास ना जाए, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि प्रशासन सख्त इसमें रवैया अपनाता है। क्योंकि इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए सिर्फ प्रशासन कल रात से मुस्तैद है। लगभग 10-12 पुलिस वाले अभी हो रहे हैं, और हमारी बात हुई है कि अभी और भी फोर्स आ रही है। सारी व्यवस्थाओं को सीमित कर दिया गया है, बिल्कुल तैयारी। किस समय दहन किया जाएगा, क्या कुछ वक्त रखा गया? 6 बजे का समय है शाम का। उपायुक्त महोदय इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कौन? उपायुक्त महोदय हमारे डॉक्टर विवेक भारती जी, जो अपने जिला उपायुक्त कैथल हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। और उसके बाद शाम को 6 बजे रामलीला रावण वध के बाद यहाँ पर दहन किया जाएगा, और एक आतिशबाजी का कार्यक्रम अच्छा की बार रखा है, वो भी इसमें रहेगा। बिल्कुल, देखिए जो तैयारियां पूरी कर ली गई है, इनका कहना है कि जो भी तैयारियां थी वो लगभग पूरी कर ली गई। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली गई है। कैमरामैन जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, खबरें अभी तक।